हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, सीएम गहलोत की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। समीक्षा बैठक में कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण फैसले। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, लिहाजा अब राज्य सरकार पहले से ज्यादा सतर्कता बरतने में लगी हुई है। इसी क्रम में अब केरल और महाराष्ट्र से राजस्थान आने वाले लोगों की तरह अब पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात से प्रदेश में आने वालों के लिए भी 72 घंटे पूर्व कोरोना वायरस के आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। पड़ोसी राज्यों में कोविड-19 का संक्रमण फिर से बढ़ने के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कोविड-19 महामारी की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में बीते कुछ दिनों फिर कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ता दिखाई दे रहा है, लिहाजा लोगों को सावधान रहने की हिदायत भी सरकार और प्रशासन की ओर से दी जा रही है। जागरूकता अभियान में भी तेजी लाने के दिए निर्देश। मिली जानकारी के अनुसार गहलोत ने समीक्षा बैठक में कहा कि बीते कुछ दिनों के दौरान आम लोगों द्वारा प्रोटोकॉल की पालना में लापरवाही गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को जागरूकता अभियान में फिर से तेजी लाने तथा पुलिस सहित अन्य विभागों के इसमें सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, हम कोरोना से जीती जंग कहीं हार न जाए, इसलिए सभी सावधानियों का पालन करना होगा। टीकाकरण को लेकर भी दिए निर्देश। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण का काम अच्छी गति से चल रहा है, लेकिन इसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता क्रम में निर्धारित श्रेणी के लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभिन्न जिलों में सभी टीकाकरण केंद्रों पर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करें। 5वीं तक स्कूल रहेंगे 31 मार्च तक बंद। इसके अलावा समीक्षा बैठक में सीएम गहलोत की ओर से स्कूलों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। इसके तहत राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों में कक्षा 5 तक कक्षाएं पूर्व की भांति 31 मार्च तक बंद रहेंगी, ताकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। जागरूक टीवी के लिए जयपुर से खास रिपोर्ट।